जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बताएंगे, तो और उसका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बेसिकली दो तरीके का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन तो फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कल मैंने इसको बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड सेकंड वन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये दो, एक तो आप पढ़ते ही आ रहे हो सेट थ्योरी के बेस पे, सेट फॉर्म में बेस्ड ऑन होता है, वो तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन अनदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है वो ग्राफिकल और क्या नाम है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन में आपने देखा है कि लेट ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट यस, तो यस के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, तो पॉइंट वाइज मैं लिख दे रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन कैपिटल यस विल बी रिप्रेजेंटेड by vertices of directed graph. तो directed graph में जो vertices होंगे वो हम उसकी जगह किसका जगह लेगा, वो लेगा set के अंदर जो elements हैं। दूसरी चीज है, दूसरी जो सेकंड पॉइंट है वो रिलेशन के एलिमेंट, द ऑल द एलिमेंट्स इन कैपिटल आर विल बी रिप्रेजेंटेड। यहां पे थोड़ा करेक्शन कर दे रहे हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एंड डायरेक्टेड एज starting from vertex A to and ending at vertex B। तो एक खास बात आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में ए भी दिया गया है दो वर्टिसेस। तो ये ऑर्डर्ड पेयर, अब जो एज का डायरेक्शन होगा वो चूंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्टेड एजेस रहेंगे, तो ए से
स्टार्ट होके बी की तरफ जाएगा, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी रहेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो, जैसे जनरली हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन रिलेशन हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये ग्राफ में किस तरह से नज़र आएंगे तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसका कैसा लुक होगा, तो इसके अंदर इसको मैं बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट के अंदर तीन पॉइंट मैं बनाऊंगा रिफ्लेक्सिव वाले। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर है तो सिंस फॉर ऑल ए ए ए विल बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड दीज एजेज विल बी as a self loop at vertex A, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज अभी इसका ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल लेके। दूसरी चीज कि सिमेट्रिक है, जो सिमेट्रिक में हम लोग फॉर ऑल ए कामा बी, ए आर बी इम्प्लाइज डेट बी आर ए, ये होता है सिमेट्रिक के लिए। तो इन सिमेट्रिक रिलेशन, इन सिमेट्रिक रिलेशन इफ there is an edge from vertex A to B, then there will be and there will be another edge directed from B to A। तो A से B की तरफ अगर edge है तो बी टू ए की तरफ, बी से ए की तरफ भी एक एज होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए जरूरी है। जो थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव के लिए, ये ट्रांजिटिव में क्या होता है, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू, यहाँ पे बिलोंग्स टू यस भी लिख दे रहे हैं, belongs to S, for all A comma B comma C belongs to capital S, A R B and B R C implies that A R C। तो सीधी सी बात है, in reflexive in transitive relation if there is an edge from A to B and B to C, then there will be
एंड एज फ्रॉम ए टू सी, तो ए टू सी की तरफ भी होगा। अगर ए से बी की तरफ एज है और बी से सी की तरफ एज है तो ए टू सी की तरफ भी एज होगा। तो तीन चीजें आपने देखा, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ लूप होता है, सिमेट्रिक में ए से बी की तरफ एज है तो बी से एक तरफ एज होगा, ट्रांजिटिव में ए से बी की तरफ एज है बी से सी की तरफ है तो सी ए से सी की तरफ भी होगा। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यस, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो उसी के नाते वर्टेक्स ए पे एक सेल्फ लूप बनेगा अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो, और सभी ए के लिए जितने भी एलिमेंट हैं सब पे सेल्फ लूप रहेगा। सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए से बी की तरफ एज है और तो बी से ए की तरफ भी एज होगा। ट्रांजिटिव में क्या है, क्योंकि ये कंडीशन होता है तो ए से बी की तरफ एज रहेगा बी से सी की तरफ रहेगा, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए से सी की तरफ भी एज होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये खास बातें हैं। अब एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल में देखिए, एक रिलेशन लिया गया है R इज इक्वल टू टू फोर टू सिक्स टू एट फोर 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 एट और एक एलिमेंट और है सिक्स सिक्स। ये रिलेशन दिया गया है ऑन सेट, टू डिफरेंट सेट भी हो सकते हैं, मैं वैसे सेम सेट लेके बता रहा हूं। यस इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट। तो अगर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे चार फोर वर्टेक्स बन जाएंगे, वन टू थ्री फोर, और नाम इनका रख दे रहे हैं टू फोर सिक्स एट। ये जो चार फोर वर्टेक्स हैं वर्टिसीज हैं, इनके लिए एक एक वर्टेक्स बन जाएगा फोर एलिमेंट के लिए। ऑल दीज फोर एलिमेंट, फॉर ऑल दीज फोर एलिमेंट देर विल बी एन इक्विवेलेंट वर्टिसीज। तो अब 2-4 अगर है, यहाँ पे 2-4 एक एलिमेंट है रिलेशन के अंदर, तो 2 से 4 की तरफ एक एज बन जाए, फिर 4 2 से 6 की तरफ एक बनेगा। और डायरेक्शन ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला पार्ट जो है टेल की तरफ रहता है और दूसरा पार्ट हेड की तरफ रहता है। फिर 2-8 है तो 2 से 8 की तरफ एक बन जाएगा, 4-4 है तो यानी कि सेल्फ लूप बनेगा, 4-8 है तो वहां पे भी एक एज बन जाएगा 4 से 8 की तरफ, और 6-6 है तो यहाँ पे सेल्फ लूप बन जाएगा। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर आप इससे फिर अगेन ये बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगा। देखिए, आराम से इसका रिवर्स कर सकते हो। यस इज इक्वल टू, इस ग्राफ को देखिए, ऊपर मत देखिए, तो यस इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट। आपने अगर रिवर्स करना है तो वो भी लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू अगर लिखना चाह रहे हैं तो एक एक एज लीजिए, 2-4 है, देखिए 2 से 4 की तरफ एज है इस नाते 2-4, 2 से 8 की तरफ से है 2 से 6 की तरफ है, वो भी लिख दे रहे हैं। और फिर 4-4 है, 4 से 8 की तरफ भी है, 4-8 लिख दे रहे हैं। उसके बाद 4-4 है, ये सेल्फ लूप, और 6-6 है। तो इस तरीके से
हमारा ये सारे जो भी हैं रिवर्सल भी लिख सकते हैं, छः थे छः इधर बन गए, चार ये थे चार ये बन गए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्पेशल एग्जांपल बताएं जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात होती है, तो आप देखिए किस तरह से ग्राफ दिखेगा। एक अनदर एग्जांपल है जिसमें रिलेशन आर दिया गया है और उसके अंदर वन वन टू टू थ्री थ्री वन टू टू वन, तो वन से टू की तरफ टू से वन की तरफ वन वन, तो ट्रांजिटिव भी है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं, तो देखिए कैसा दिखेगा। पहले आप तीन ये वर्टिसेस बना दोगे वन टू थ्री, वन से वन की तरफ एज है ये बना देंगे, टू से सॉरी वन से वन की तरफ है तो यहाँ सेल्फ लूप बने, ये अभी एज नहीं बनाते हैं केवल वर्टिसेस ही बनाते हैं, पता नहीं रहा है कि नहीं एलिमेंट, तो वन 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 है तो इस नाते यहाँ पे सेल्फ लूप बन गया, टू टू है तो इस नाते यहाँ पे भी सेल्फ लूप बन गया, थ्री थ्री है इस नाते यहाँ पे भी सेल्फ लूप बन गया, वन से टू की तरफ एज है तो इस नाते बना दिया, टू से वन की तरफ अगर एज है तो ये भी बना सकते हैं, और कोई एज है नहीं। लेकिन ये ग्राफ देखने में अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एक आध एलिमेंट बढ़ा देते हैं। मान लीजिए वन थ्री है तो अब, और टू थ्री है, अब ये हम ऐसा कर दे रहे हैं कि इसके अंदर सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि वन थ्री और टू थ्री, अब आप ये देखिए ये सिमेट्रिक नहीं रह गया क्योंकि वन से थ्री की तरफ एज है लेकिन थ्री से वन की तरफ नहीं है, टू से थ्री की तरफ है लेकिन थ्री से टू की तरफ नहीं, इस नाते सिमेट्रिक नहीं है। केवल अगर ये वन से थ्री और थ्री से वन भी होता तब रहता, टू से थ्री है चूंकि तो थ्री से टू होना जरूरी है, तो सेल्फ लूप इस तरह से दिखता है। और इसके बाद अनदर रिप्रेजेंटेशन जो है मैट्रिक्स, वो हम बताने जा रहे हैं, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू ए वन ए टू सो ऑन ए एम एंड बी इज इक्वल टू बी वन बी टू सो ऑन bn are finite sets containing m and n elements respectively, and relation R from set A to B, then R can be represented as a matrix
एम आर इज इक्वल टू एम आई जे वेयर एम आई जे इज इक्वल टू, और ये एम आई जे जो है वो के एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, एम आई जे के जगह पे वन आएगा, जीरो आएगा, वन कब आएगा, जब इफ ए आई कॉमा बी जे बिलोंग्स टू आर, और अगर नहीं आएगा, ये एलिमेंट नहीं है मतलब नहीं बिलोंग कर रहा है, तो उसकी जगह पे जीरो आएगा। ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आप एक एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल में तो ये ध्यान देना है, क्योंकि मैट्रिक्स इस फॉर्म का बनेगा, ए उसमें रो होंगे, बी कॉलम होंगे, क्योंकि यम रो होंगे, यन कॉलम होंगे, क्योंकि इसमें यमियन यम लिया गया है सेट ए में एलिमेंट, और यन लिया गया है उसमें एलिमेंट बी में। तो ये यम इंटू यन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। तो ऐसे यम रो होंगे और यन कॉलम होंगे। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, लेट यहाँ पे एक सेट ए दिया गया है 1 2 3, और रिलेशन आर इज इक्वल टू गिवन है 1 1 1 3 3 3 4 4। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए ये गिवन है। अगर मैट्रिक्स इसका बनाना चाह रहे हैं यम आर, तो आप देखिए, क्योंकि एक ही सेट है, सेट रिलेशन आर ऑन सेट ए, मतलब अगर डिफरेंट सेट है तो ए टू बी, नहीं है एक ही सेट दिया गया तो मतलब सेट ए का रिलेशन सेट ए में ही है, सीधी सी बात। अगर एक सेट दिया गया है तो सेम सेट का रिलेशन सेम सेट में है, वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करते हैं और उसके ऑर्डर पेयर से जो बनते हैं वो हमारे रिलेशन के एलिमेंट होते हैं। और अगर सेम एक ही सेट दिया गया है तो निश्चित तौर पे एक रास ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स होते हैं, एक रास ए से जो ऑर्डर पेयर बनते हैं। यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए का जो कार्डिनल नंबर है 3 है, इस नाते 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये जान लीजिए। तो ये अब आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट 1 2 3 ऐसे 1 2 3 एलिमेंट का नाम लिखा गया है, ये 1 रो एलिमेंट रो है, 2 एलिमेंट रो है, 3 एलिमेंट रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो 1 1 यहाँ पे है, ये 1 1 का प्लेस है। अब 1 1 चूंकि यहाँ पे है तो 1 आएगा यहाँ। 1 2 पहले आप ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट रो के नाम से जाना जाता है, सेकेंड पार्ट कॉलम के नेम से जाना जाता है, 1 2 इसके अंदर है नहीं, इस नाते हम लोग ये 1 3 4 है, करेक्शन कर रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। 1 3 4 तीन एलिमेंट है तो ये भी करेक्ट कर दे रहे हैं, 1 3 4, अदरवाइज ये एक भी एलिमेंट बनेगा ही नहीं। तो 1 3 4 है एलिमेंट बेसिकली, वो मैंने 1 2 3 लिख दिया था। तो 1 1 है इस नाते यहाँ पे आ गया, 1 3 देखिए है इस नाते 1। ये ध्यान रखिए, ये रो का नाम है रो, और ये कॉलम का नाम है। 1 फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर पेयर का और ये सेकंड पार्ट है। तो 1 3 चूंकि है इस नाते यहाँ पे है, 1 4 नहीं है इस नाते जीरो आ जाएगा, 3 1 नहीं है जीरो आ जाएगा, 3 3 है इस नाते 1 आ जाएगा, 3 4 नहीं है जीरो आ जाएगा, 4 1 नहीं है जीरो, 4 2 4 3 नहीं है जीरो, 4 4 है तो 1। तो इस तरीके से इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसको देख के फिर आप ये रिवर्स में कर सकते हो,
वन यहाँ लिखा हुआ तो आप ऐसे देखोगे वन वन, वन यहाँ लिखा हुआ वन थ्री, वन यहाँ लिखा हुआ तो थ्री थ्री, वन यहाँ लिखा हुआ तो फोर फोर, ये रिवर्स ऑर्डर में भी आप कर सकते हो। तो रिफ्लेक्स कुछ कंडीशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पर्टिकुलर रिलेशन में रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जरूरी है कि फॉर ऑल आई यम आई आई इज इक्वल टू वन। अब आप खुद देखिए इस मैट्रिक्स को वन वन थ्री थ्री फोर फोर, तो रिफ्लेक्सिव है इसी नाते वन वन थ्री थ्री, जो रो का नाम है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आई की वैल्यू वन के लिए भी वन है, टू के लिए भी वन है और थ्री के लिए भी, ये फोर एलिमेंट है लेकिन कॉलम और रो नंबर थ्री है, ये ध्यान रखिए। दूसरा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए फॉर ऑल आई कामा जे यम आई जे इज इक्वल टू एम जे आई इक्वल टू वन, मतलब अगर एम आई जे की वैल्यू वन है तो एम जे आई की वैल्यू भी वन होगी तभी सिमेट्रिक बनेगा। सीधी सी बात है, देखिए अगर मान लीजिए वन थ्री है और यहाँ थ्री वन होता तभी सिमेट्रिक माना जाता। तो वन थ्री, वन थ्री मतलब क्या है, ये वन थ्री, ये वन टू है, आई की वैल्यू वन है, मतलब एम वन टू का वैल्यू वन दिया गया है और एम थ्री वन, थ्री वन होने के लिए यम टू वन के जगह पे चाहिए, ठीक है। तो यम टू वन भी आपका वन हो जाता, तो इसी को रिवर्स कर दीजिए तो बात बन जाएगी। थर्ड है ट्रांजिटिव, फॉर ऑल आई जे के एम आई जे इज इक्वल टू एम जे के इक्वल टू एम आई जे इक्वल टू एम आई के इज इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर आई जे की वैल्यू और जे के की वैल्यू वन है तो एम आई के की वैल्यू भी वन होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। तो हम लोगों ने जो पढ़ा इस वीडियो में, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसे रिलेशन को हम लोग सेट थियरी, सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन और जो रिप्रेजेंटेशन है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर बना के, उसमें वर्टिसेस एलिमेंट्स की जगह लेते हैं और जो ग्राफ के अंदर एजेज होता है, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एजेज एंड वर्टिसेस होते हैं, तो वर्टिसेस किसी न किसी चीज़ का जगह लेगा तो वो सेट के एलिमेंट का जगह लिया, जिस सेट पे बेस्ड ऑन वो रिलेशन है, जैसे लिखा रहता है रिलेशन आर इज बेस्ड ऑन, रिलेशन आर इज ऑन सेट ए या यस, तो सेट यस के एलिमेंट ऑक्यूपाइड होंगे बाय द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, और जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है वो भी एलिमेंट ही है एक तरीके से, वो सब आएंगे डायरेक्टेड एजेस के एज के रूप में। अब उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज थी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ग्राफ को देखकर ही आप बता सकते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसमें सबसे आसान है रिफ्लेक्सिव पहचान, अगर सभी वर्टेक्स पे सेल्फ लूप बना हुआ है तो ये मान के चलिए कि वो ग्राफ रिफ्लेक्सिव होल्ड कर रहा है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अगर किसी एक भी वर्टेक्स पे सेल्फ लूप नहीं है तो इसका मतलब 100% है वो ग्राफ रिफ्लेक्सिव नहीं है।
वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं होने वाला। ग्राफ किसी रिलेशन के लिए बना है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर, अगर किसी भी एक वर्टेक्स पे सेल्फ लूप नहीं बना हुआ। दूसरी चीज आपकी है सिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक के में मतलब जान लीजिए कि अगर ये एक रिलेशन है, ये ग्राफ अगर किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इधर से इधर एज है, इधर से इधर एज है, इधर से इधर एज है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ एज है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एज होना चाहिए। ऐसे इधर से इधर है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एज होना चाहिए। ऐसे इधर से इधर है तो इधर से भी इधर होना चाहिए। तो जब तक इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा। अब आप ये देखिए कि ट्रांजिटिव होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए इधर से इधर है, इधर से इधर है और फिर इधर से इधर, तो ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली है भाई। ए टू बी वर्टेक्स है, ए टू बी एज है, बी टू सी है, तो ए टू सी भी है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है रिलेशन। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। और इसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर सेट ए से सेट बी की तरफ कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन अगर ए में यम एलिमेंट हैं और बी में एन एलिमेंट हैं, तो यम गुड़े एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स से आप उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन वाला है मतलब यम वाला, वो रो के नाम से जाना जाएगा। तो यानी कि एक वन टू थ्री फोर सो ऑन यम रो बनेंगे और इसी तरीके से वन टू थ्री सो ऑन आपके एन रो एन कॉलम बनेंगे। तो ये यम एन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे जितने भी एंट्रीज होंगी वो आइदर वन होंगी या तो जीरो होंगी। वन जीरो का सेंस यही है एज है कि नहीं है। वन है तो एज है, जीरो है तो एज नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, ये तो रो का नाम वन टू थ्री रखे हैं, मान लीजिए एलिमेंट आपका ए वन ए टू सो ऑन ए एम है, ऐसे ही ये बी वन बी टू सो ऑन बी एन है। अब मान लीजिए बी टू से ए टू के बीच में एज है तो ए टू से बी टू की तरफ आप एक बना देंगे, ठीक है। ए टू से बी टू की तरफ आप एक एज अगर है तो वन वहाँ पे आप लिख दोगे। अब यही, और अगर मान लीजिए A1 से B1 BN की तरफ एज नहीं है तो यहाँ जीरो आएगा। लेकिन हम लोग जनरली देखते हैं रिलेशन में कि जिस एक ही सेट लेते हैं और उसी सेट में रिलेशन होता है, तो इस नाते अगर हम लोग देखें कि अगर एक सेट A है जिसमें A, B, C तीन एलिमेंट हैं तो मैट्रिक्स 3x3 का बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जनरली बनता है क्योंकि सेम सेट में रिलेशन हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एलिमेंट यहाँ नजर आ रहा वही यहाँ आ रहा है। ए से ए की तरफ एज है तो ठीक है वन आ जाएगा, बी से ए की तरफ एज है वन आ जाएगा, ए से सी की तरफ एज नहीं है जीरो आ जाएगा, अगर ए से बी की तरफ एज है तो वन आएगा, सी से ए की तरफ एज है तो वन आएगा, बी से बी की तरफ नहीं है तो जीरो आएगा, बी से सी की तरफ आएगा तो वन आएगा, सी से बी की तरफ है तो वन आएगा, सी से सी की तरफ नहीं है तो वन जीरो आएगा। तो एज है तो वन नहीं तो जीरो। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।